हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर ब्लॉग। आज सेकंड ब्लॉग है हमारा वर्कआउट का। इसके पहले मैं मिक्स वर्कआउट का किया था, आज मैं बैक का करूँगा। अभी पर्टिकुलर सिंगल वर्कआउट करके अभी शूट करूँगा मैं, तो नीचे बहुत ज़्यादा आवाज़ है इसके लिए मैं ऊपर आके बोल रहा हूँ। ये देखो, ये हमारा पुराना जिम है जो कि हम बहुत पहले टाइम किया करते थे। अभी तो नीचे जिम बन गया है दो फ्लोर के, एक तो फर्स्ट फ्लोर पे है, दूसरा सेकेंड फ्लोर पे। ये हमारा टेरिस है, ये सारे पुराने सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं। चलो ये तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। अभी करेंगे बैक का वर्कआउट, इंटेंस रहेगा पूरा। जो भी सेट्स वगैरह रहेगा मैं टेक्स्ट करके बता दूंगा, अगर मैं बोल नहीं पाया तो देखते हैं। अगर म्यूजिक बंद हो गया तो फिर मैं आपको बोल के बताऊंगा। चलो चलो के हमें दो सेट लेना है। ये तो क्लोज ग्रिप हो गया, अभी वाइड ग्रिप का लेते हैं। दोनों का एक एक सेट हो गया, अभी ये वार्म अप चल रहा था और इसके बाद फिर अपन मेन वर्कआउट पे चलेंगे। ये मेरा कैमरामैन, ये पक्षोद है नेपाल का। ये चाहता था मेरे साथ वर्कआउट चैलेंज करे, यानी कि पुशअप चैलेंज करे। देखो मेरे साथ चैलेंज कर रहा है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसका चैलेंज। बोलता है कौन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पुशअप मारेगा, तो मैंने बोला भाई चल ठीक है, देखो अभी कैसे मुंह बनाएगा, मुंह फाड़ रहा है वो। ये देखो इसकी बकचोदियाँ। तो फिर हमें थोड़ी सी बकचोदी करने के बाद फिर मैंने उसको बोला था कि भाई तेरे से नहीं होगा, फिर भी वो स्टार्ट किया, फिर मरे जा रहा था मेरे साथ। आप देख सकते हो, जो भी हो आप कमेंट करके बताना कौन सा ज़्यादा मारा और सबसे पहले कौन रुक गया। जो पहले रुक गया वो आप लोग कमेंट करके बताना किसने ज़्यादा मारा। चैलेंज खत्म होने के बाद, मुझसे हारने के बाद देखो फिर से कैसे बकचोदिया कर। आई एम द विनर गाइस, चलो अभी मारेंगे बैक डंबल को। पहला सेट इसका 3 सेट, ये बैक के लिए सबसे इफेक्टिव वर्कआउट है। Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you my love. चलो स्टार्ट करते हैं।
अभी हो गया, अभी लास्ट वर्कआउट अपना, उसका 3 सेट मार के हुआ। अभी लेंगे लोवर का, लोवर का मार के 3 सेट लेना है, उसके बाद बैक का वर्कआउट खत्म। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine. यहाँ पे मैं आप सबको बता रहा हूँ कि मैं नीचे वाला फ्लोर आपको दिखाने जा रहा हूँ, बट मेरे को रियल वॉइस इसलिए म्यूट करना पड़ा क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में सॉन्ग चल रहे थे, फिर वो सॉन्ग अगर बैकग्राउंड में सुनाई देता तो फिर मेरे को वीडियो में कॉपीराइट लगता है, इसलिए मैंने म्यूट किया होता, बट नीचे वाला फ्लोर में दिखा नहीं पाया, सॉरी गाइस, नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा। फाइनली वर्कआउट डन, अभी इधर थोड़ा फ्लेक्स मारने के लिए आए हम लोग, रखने के लिए जगह नहीं, इसलिए सब हाथ में रखा हूं। आई होप फिजिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, नीचे बहुत हद से ज्यादा आवाज है क्योंकि म्यूजिक चल रहा है, इसके लिए मैं ऊपर आके वीडियो बना रहा हूँ। 05x में आज मेरा बैक का वर्कआउट पूरा डन हो गया है, इधर का बैक थोड़ा चेकआउट करो, दिख रहा है? बट एक महीने के गैप के बाद थोड़ा बॉडी का शेप थोड़ा बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, आज का वर्कआउट डन। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना, लाइक्स कमेंट्स करते रहना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। मेरे बिल्डिंग के वॉचमैन को लेके आया मैं शूट करने के लिए वो पीछे हंस रहा है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।